हेलो फ्रेंड, आज ऑटोकैड में हम ये ड्राइंग प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमने ड्राइंग का सेंटर बना लेना है। एक्सेल लाइन से हमने वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया है यहाँ पे। इसके बाद हमने आउटर सर्कल, आप देखेंगे कि यहाँ पे कितना है हमारा 10 डायमीटर। ओके, एंड अब हमने ये यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करना है। सर्कल आप देखेंगे कि हमारा सर्कल कितना है, ये हमारा 1.6, राइट। तो हमने यहाँ पे सर्कल लेना है 1.6 mm, आपको ट्रिम कर लेना है ऑब्जेक्ट को। ठीक है, आपको एरे लेना है, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट, ठीक है, पॉलर एंड सेंटर पॉइंट एंड देन राइट क्लिक आइटम्स, आपके इसमें आइटम नंबर 12। ओके, आपको ट्रिम कमांड लेना है, जो ट्रिम ऑब्जेक्ट है उसको हमने ट्रिम कर देना है। एंड हम यहाँ पे आर्क ड्रॉ करेंगे, आर्क स्लॉट बना हुआ है। सर्कल लेंगे सेंटर से, आउटर सर्कल आपका 7 mm, एंड मिडिल सर्कल 6 mm, एंड लोअर सर्कल 1 माइनस हो जाएगा आपका 6 है, यह आ गया आपका 5 mm। एंड आप एंगल देना है, एंगल टोटल एंगल हमारा 60, वन साइड 30 एंड 90 माइनस 30 60। ओके, एंड मिरर कमांड, ट्रिम कमांड, जो ऑब्जेक्ट आपको डिलीट करना है डिलीट कर सकते हैं। क्लियर, एंड देन यहाँ पे पीसीडी पे हमारे 5 होल हैं, आपने यहाँ से पीसीडी ड्रॉ करना है। पीसीडी हमारा कितना है 6 mm, राइट। यहाँ पे आपको एंगल देना है, एंगल आपका यहाँ पे आएगा 30 mm। सर्कल डायमीटर 2, रेडियस 1 mm। ओके, एरे कमांड, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट, पॉलर, यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है एंड सेंटर पॉइंट, राइट क्लिक आइटम्स एंड आइटम्स नंबर 5। ओके, एंड एंगल, फिल एंगल आपने फिल एंगल देना है। फिल एंगल हमारा कितना हो गया यहाँ पे 120। ओके, 120 हमारा यहाँ पे एंगल हो गया। ट्रिम कमांड, ये आपका यहां पे आएगा, एंगल लेंगे 170, सर्कल आउटर सर्कल हमारा यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है 6, 3 रेडियस एंड इनर डायमीटर 4 एंड 2 रेडियस, राइट।
एंड अब हमने ट्रिम कमांड लेना है, ऑब्जेक्ट ट्रिम करेंगे, एनी अदर ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ से डिलीट कर देना है। एरे कमांड, एरे ए आर पोलर सेंटर राइट क्लिक आइटम नंबर 3 ओके इस तरह से आपको ड्राइंग क्रिएट करना है ओके इसके बाद हम इसकी डायमेंशनिंग करेंगे।